हम बात करें, ये देखो ये एक पीडीएफ फाइल है ना, डिफरेंट जेनरिक सेवलेट। इस पीडीएफ फाइल को या फिर ये अपना सिलेबस, इस सिलेबस को कॉपी करके मैं सर्वर में एक फोल्डर बनाता हूँ, सिलेबस, इसके अंदर रख देता हूँ 62940A.pdf। अब यही लॉजिक जो हमने यूज़ किया इमेज को रीड करने के लिए, इसको मैं पूरा कॉपी करके एक नई सबलेट बनाता हूँ, इसको नाम दूंगा पीडीएफ सर्वलेट। जस्ट पीडीएफ रीड कर रहे हैं इसलिए, ओके। कंटेंट डिस्पोजिशन इनलाइन, और फिर यहाँ पे जो कंटेंट टाइप है वो क्या रखेंगे, एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, और फिर फाइल नेम इज इक्वल टू सिलेबस स्लैश 62940A.pdf, ओके। बाकी का सब कुछ एज इट इज, ओके। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, पीडीएफ सर्वलेट डॉट जावा, और फिर यहाँ से इसे कंपाइल करेंगे, PDF servlet dot java कंपाइल हो गई। अब यहाँ से मैं इस फाइल को कॉपी करके सर्वर पे रूट के अंदर वेब INF में क्लासेस के अंदर NJS में पेस्ट कर देता हूँ, और फिर वेब डॉट XML में मुझे 8 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, वो लिखता हूँ, सर्वलेट 4, सर्वलेट 4 NJS डॉट PDF सर्वलेट, और यहाँ पे मैं URL देता हूँ रीड PDF, ठीक है। सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे रीड PDF, तो देखो ये हमने जो यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन करवाया, वैल्यू क्या दी, इनलाइन, इसलिए वो ब्राउजर उसे डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अटैचमेंट दे दे, अटैचमेंट सेमी कॉलन JWT.PDF, सॉरी फाइल नेम इज इक्वल टू JWT.PDF, ऐसा कर दे तो क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट करेगा क्लाइंट को, ब्राउज़र सेव करना है या ओपन करना है, ऐसा कॉपी करेंगे क्लास को और पेस्ट करेंगे क्लास फाइल को, इसको स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। रीड PDF, तो देखो अभी क्या किया, शो नहीं किया, इसको ओपन करने का या सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, और क्लाइंट सेव सिलेक्ट करता है तो फाइल सेव हो जाएगी, और फिर क्लाइंट के PC में ओपन हो सकती है जो भी सॉफ्टवेयर उसने सिलेक्ट किया है उसमें। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र सिलेक्ट किया था तो अभी ब्राउज़र में ओपन हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से किसी भी टाइप की फाइल हम क्लाइंट को भेज सकते हैं, शो करवा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या, रीडिंग स्ट्रीम्स एंड राइटिंग स्ट्रीम्स, जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जावा का। और ये सब कुछ क्लासेस जो हमने यूज़ की है वो कहाँ पे है, IO पैकेज के अंदर। तो शायद आपको याद हो, जावा में हमने फाइल कॉपी का एक प्रोग्राम किया था।